बार मासरे थरे महाप्रभु निजर बड़ देउल रत्न सिंहासन को छाड़ी रथरे चली आसती निज भक्त मान सहित मिसाई एवं दुख सुख से अति पाखर अनुभव करने रथ यात्रा दिन तीनो रथ सुसज्जित भाव महाप्रभु मान को अपेक्षा करु के भाई कि प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा परे से तीनो रथ कुआडे जाए कहीं के रथ यात्रा हो आसुचे सब रथ रहुचि केउठी आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे श्रीमंदिर प्रत्येक कार्यपाई स्वतंत्र नियम रही अलग अलग सेवक अच्छा रथयात्रार नियम अनुसार प्रत्येक वर्ष रथयात्रापाई अक्षय तृतीय दिन पुरी राजा उवास सामने रथ खल रथ कार्य होता है पखापाखि 1400 कारीगर दुई मस अक्लांत परिश्रम तीन रथर निर्माण करथयात्रा दिन सुसज्जित भाव तीन रथ सिंह द्वारा सामने ढड़ा होता है तीन ठाकुर रथर दौड़ी को स्पर्श कर सबु जन्मर पाप को धोवापी कहीं के दूर लक्ष लक्ष भक्त धाई आसी था रथगुड़ी को श्री गुंडीचा मंदिर को टाणी आनती परम पवित्र श्रीक्षेत्र धाम अन्यतम आकर्षण होगुंडीचा मंदिर यह महाप्रभु जन्मवेदी भाव ख्यात विभिन्न प्राचीन ग्रंथरे गुंडीचा घर नाम यज्ञवेदी महावेदी आड़प मंडप रास मंडप अबा गुंडीचा मंदिर नाम उल्लेख रही श्री जगन्नाथ गुंडीचा यात्रा सात दिन विजय करुवा स्थान को गुंडीचा घर कहुए एठारे आउ दुई दिन रथयात्रा एवं बाहुड़ा यात्रा को कहुई रथयात्रा रे महाप्रभु कालिया ठाकुर भाई भौणी को साथी रे धरी गुंडीचा मंदिर रे लीला खेला करी इंद्रद्युम्न महाराजा यही स्थान में सहस्र असमेध यज्ञ करते कहुए यह हेउची यज्ञस्थल बा चतुर्धा मूर्ति आविर्भाव स्थल भाव वर्षकरे थरे महाप्रभु आड़प मंडप विजे होई भक्त मान दर्शन दे थांते रत्नवेदी जन्मवेदी जेउठारे प्रभु नृसिंह को प्रकट कर इंद्रद्युम्न प्रथमे आसी तांका सानिध्य लाभ करिथिले एवं सेइठारे चतुर्धा मूर्ति निर्माण कराई श्रीमंदिर भितर को स्थापना कर यही समय रे प्रभुंकर निर्देश थिला वर्ष मध्य मोर जन्मस्थान को निश्चिंत भाव जी प्रत्येक वर्ष रथयात्रा रे आसी बुलीजे बोली कथा देते तथापि रथयात्रा आरंभ पचरे अनेक अलौकिक तथ्य रही भाव रथयात्रा पर बाहुड़ा नीति संपन्न पर महाप्रभु रथ को छाड़ पुणी श्रीमंदिर प्रवेश करती यही दुनिया रे प्रत्येक जिनसर आदि और अंत रही रथयात्रा पर रथ को भांगा कार्य आरंभ होता है श्रावण मास आरंभ रथ भंगा कम आरंभ होता है 10 रु 15 जन भोई सेवक नियोजित होता यही कम संपन्न करने को 12 दिन लगे यही सेवक मान को सर्वप्रथमे माँ सुभद्रा देवदलन रथ को भंगा जाए प्रभु बलभद्रा तालध्वज रथ को भंगा जाए वो शेषे महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ भंगा जाए रथ निर्माण समय रे प्रथमे चकरु आरंभ करी दधि नौती पर्यंत निर्माण होता है मात्र भांगा समय रे ऊपर भांगी चक पर्यंत भंगा जाए चक दंडिया आर हंसपाद सिंहासन सारथीपीड़ा हलस पाराभाड़ी सुआवली 34 अंश प्रत्येक रथरु भांगी दि जाए बाहर करा जाए नवकलबर समय रे सुआ और सारथी को महाप्रभु समाधि दि जाए यही भंगा कार्य को सुरखुरी से संपन्न करने पुरी जिला प्रशासन तरफ क्रेन एवं आदि व्यवस्था करा जाए था रथ में लगी प्रभा सिंहासन अश्वरी चक गुज आदि को बोही आनी बोही सेवक मैंने गुंडीचा मंदिर में रखि था पर श्रीमंदिर प्रशासन तरफ से गुड़ी को निलाम कर साधारण भक्त मैंने से गुड़ी को किणी पारी था रथ गुड़िकर अन्य अंश गुड़ी को जगन्नाथ बल्लभ मठ से सुरक्षित भाव में रखि दि जाए जगन्नाथ बल्लभ मठ श्रीमंदिर ठारु 300 रु 500 मीटर दूर से अवस्थित रथर निम्न भागे काठगुड़ी को आनी श्रीमंदिर रोषशाला महाप्रभु कोट भोग जाली दिया जाए श्रीमंदिर परंपरा अनुसार बाहुड़े जितेबले रथ सिंहद्वार सम्मुखें पहुंची थाए तापर महाप्रभु मैंने श्रीमंदिर को प्रवेश करती प्रवेश पर आउ टणा जाए रथ तीनोटी
ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥ କ'ଣ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ।